2024 हल प्रश्न पत्र दोस्तों घट्नाचक्र का है। घट्नाचक्र सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन ये पर्यावरण का है दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिक, इसमें आपको दोस्तों पर्यावरण जो आपका पारिस्थितिक और पर्यावरण है, इसमें सबसे पहले आपको पर्यावरण में सतत विकास, फिर उसके बाद पारिस्थितिकी, फिर जैव विविधता और फिर हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन, फिर ओजोन परत क्षरण और वन एवं वन्य जीव, अभ्यारण्य, जैव मंडल, रिजर्व और वैकल्पिक ऊर्जा। तो ये 8 टॉपिक्स और उसके बाद प्रदूषण, फिर जल संरक्षण, फिर उसके बाद विविध, ये 11 टॉपिक होने के बाद आपका ये वाला सब्जेक्ट पर्यावरण पारिस्थितिकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, जीव, पौधों और जंतुओं के जो समूह हैं हमारे चारों ओर, सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, अजैविक एवं जैविक दशा और उनके साथ अंतक्रिया को सम्मिलित करता है। धातु है कि परि और आवरण शब्दों को जोड़ने पर पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। अतः पर्यावरण शब्द का अर्थ जो आवरण हमें चारों ओर घेरे हुए, पर्यावरण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, जो आवरण हमें चारों ओर घेरे हुए है। तो इस तरीके से और फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि ये पर्यावरण है दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण और पर्यावरण के बाद नीचे जलमंडल, फिर उसके बाद स्थलमंडल, ऊपर सबसे वायुमंडल, फिर जयमंडल। और इस तरीके से स्थल मंडल पे क्या क्या होता है, पर्वत होता है, मैदान होता है, मरुस्थल होता है। और जलमंडल में हिमनद, झील, नदी, सागर, इस तरीके से। और जैवमंडल में पौधे, जंतु। और वायुमंडल में दोस्तों क्षोभमंडल होता है और समताप मंडल होता है दोस्तों। ठीक है, ये हो गया जो पर्यावरण है एवं उसकी अंतक्रियाएँ। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है, जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 2 संगठक हैं। पर्यावरण के कितने संगठक हैं, 2 संगठक हैं। तो सबसे पहले भौतिक या अजैविक, स्थल, वायु, जल आदि इसमें होता है। और जैविक में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव। नोट में हम लोग देखेंगे जैविक तथा अजैविक भौतिक, अजैविक को भौतिक बोलते हैं। घटकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतक्रियात्मक व्यवस्था जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल होते हैं। ये सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करता है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में कार्य करते हैं तथा कुछ कारक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। पर्यावरण को बृहत व लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पर्यावरण एवं उसकी संरचना में हम लोग देखेंगे जैसे कि पर्यावरण, ठीक है, इसमें कारक में हम इधर देखेंगे संसाधन के रूप में, नियंत्रक के रूप में, ठीक, और इधर देखेंगे विभिन्नताएं, विभिन्नता कारण जैसे जलवायु में परिवर्तन, मृदा प्रकार, स्थलाकृति में अंतर, इस तरीके से। पर स्तर में देखेंगे लघु है और बृहत है, ठीक है, लघु और बृहत स्तर में। तो किस तरीके से लघु में कौन सा था, जीवाणु एवं पर्यावरण, और इधर बृहत में आ जाता है वृक्ष का पर्यावरण, इस तरीके से। और फिर संगठक में हम लोग देखेंगे संगठक में, तो संगठन में भौतिक और एक जैविक। तो भौतिक में स्थल आता, वायु आता, जल आता है। और जैविक में पादप, मनुष्य, एक मिनट, पादप, मनुष्य, जंतु और सूक्ष्मजीव, इस तरीके से दोस्तों। प्रश्न कोष में क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया। पर्यावरण से अभिप्राय है, तो क्या अभिप्राय है, तो ये सारे क्वेश्चन जो भी A, B, C, D दिया है, सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं। भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घिरे हुए होती है। भौतिक, जैविकीय एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतक्रियात्मक व्यवस्था जो अंत संबंधित होते हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सभी सही हैं। अब एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, जीवों, पौधों और जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर एक सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संघटक आपस में अंतक्रिया भी करते हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, जिसे पारिस्थितिक तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक, अजैविक एवं जैविक दशाएँ और उनके साथ अंतक्रिया को सम्मिलित करता है। जैविक तथा अजैविक भौतिक संगठकों के अंतर्गत सांस्कृतिक तत्वों की अंतक्रियात्मक व्यवस्था जैसे धर्म, नैतिकता, प्रथाएं, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि शामिल होते हैं। दोस्तों, पर्यावरण किससे बनता है, क्वेश्चन आया दूसरा, पर्यावरण किससे बनता है, तो किससे बनता है डी ऑप्शन उपयोग सभी हो जाएगा इसमें। तो जीवीय घटकों से बनता है, भू आकृतिक घटकों से और फिर अजैविक घटकों से, तो उपरोक्त सभी से बनता है। BPSC प्री 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तत्वों से इसकी रचना होती है। इसमें जैविक, अजैविक, भौतिक, भू आकृतिक घटक शामिल होता है। तो विकल्प सभी सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो क्या नहीं है, तो परिचालन पर्यावरण ये नहीं है, बाकी ये वाला भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण ये सभी हैं, लेकिन परिचालन पर्यावरण नहीं है दोस्तों। तो एक बार व्याख्या, ठीक है, पर्यावरण को भौतिक, अजैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण में वर्गित किया जाता है। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, चट्टानें, खनिज आदि आते हैं, जबकि जैविक पर्यावरण के अंतर्गत वनस्पतियाँ, जंतु, मानव सहित तथा सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। जैविक तथा अजैविक भौतिक पर्यावरण के अंतक्रिया द्वारा सांस्कृतिक पर्यावरण के तहत धर्म, नैतिकता, प्रथाएँ, लोकाचार, विधि, व्यवहार, प्रतिमान आदि गतिविधियाँ शामिल होती हैं। इसलिए सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक, अजैविक, जैविक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण में वर्गीकृत किया जाता है। धारणीय विकास या सतत विकास, नोट्स में धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। ध्यातव्य है कि इस शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट इधर देखते हैं एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे वेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसा विकास से है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव, भौतिक और सामाजिक पारिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृत की जा सकें। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। प्रकृति की अपनी सुंदरता, अपनी सीमाएं, अतः हमें चाहिए कि पहले हम प्रकृति को समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वंचित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें हैं वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो एक बार हम लोग देखते हैं, इधर समझते हैं, जैसे कि ये टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं। तो टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचना में पर्यावरण से संबंधित सूचना और इधर है मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचना। तो इसमें इधर देखते हैं जैविक अधिवास से संबंधित, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति के आधार पर। ठीक है, इधर देखें वर्तमान पर्यावरण की स्थिति और इधर देखते हैं मनुष्य व उसके क्रियाकलापों से संबंधित। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का आकार, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, गैर अनिवार्य संरचनात्मक और सुविधाएँ और औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय और तकनीकी स्तर, ये सब टिकाऊ विकास हेतु ये सूचना है। उल्लेखनीय है कि यह सूचना सुदूर संवेदन तकनीक, सांख्यिकी विधि तथा भौगोलिक सूचना तंत्र व पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से प्राप्त की जाती हैं। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न आया था, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। तो कथन ए देखते हैं, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और आर में कहा गया है सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो सही व्याख्या कर रहा है। तो एक बार इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट WCED द्वारा वर्ष 1987 में प्रकाशित रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे वेटलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करे। इसका तात्पर्य है कि मानव समाज का सतत भविष्य तभी सुनिश्चित हो सकता है जबकि आर्थिक गतिविधियों और मानव कल्याण के समर्थन हेतु आवश्यक जैव भौतिक और सामाजिक परिस्थितिकीय और परिस्थितियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी पोषित या संदृत की जा सकें। इस प्रकार प्रसंगत कथन एवं कारण दोनों ही सही हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन था, तो क्या था समझते हैं। उसका ये आंसर इसमें आंसर हो जाएगा आवर कॉमन फ्यूचर। क्या हो जाएगा? आवर कॉमन फ्यूचर। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग को पहले देखते हैं रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, फिर वेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन और उसके बाद क्या होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन, फिर उसके बाद द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो सबसे पहले क्या हुआ था? यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब प्रश्न को ना देखते हुए सीधे व्याख्या पे आते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन जो कि 1972 में हुआ था। फिर क्या हुआ? ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989 में, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ। एक बार फिर रिपीट करते हैं, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन 1972, वेटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन 1987, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन 1989, रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 ईस्वी में। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो कौन सा है? प्राकृतिक संसाधन का। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। धाड़ी विकास, विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धाड़ी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। धाड़ी विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। सतत विकास के लिए आवश्यक उपयोग सभी डी ऑप्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण, फिर निर्धनता को घटाना। सतत विकास के लिए जैव विविधताओं का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह भूमंडलीय दृष्टिकोण बन चुका है। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्तें वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। तो बी ऑप्शन अंतरिक्ष अनुसंधान। SDG 5 लैंगिक समानता से, SDG 2 शून्य भूख से तथा SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य एवं भलाई से संबंधित है। प्रकृति में कार्बन चक्र व जल चक्र। पर्यावरण विभिन्न जैविक व जैविक घटकों से मिलकर बना है। यह घटक आपस में अंतक्रिया करते हैं। सामान्यतया यह अंतक्रिया एक चक्रीय स्वरूप में होती हैं, अर्थात तत्वों का चक्र एक रूप से दूसरे रूप में होता रहता है, जैसे भू रसायन चक्र बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। यह चक्र प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंच जाती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। एक मिनट, प्रकृति में कार्बन चक्र, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि कार्बनिक यौगिक जंतु इस तरीके से। फिर यहाँ पर हमने ये बॉक्स बनाया। फिर उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा? श्वसन विघटन, फिर वायुमंडल में उपस्थित CO2, फिर कार्बनिक यौगिक पादप, और यहाँ पर कार्बोनेट पानी, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम, अकार्बनिक कार्बोनेट सल्की, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं प्रकृति में कार्बन चक्र इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इधर। दातव्य है कि कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। यह अपने मूल रूप में ग्रेफाइट व हीरा में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। वहीं दूसरी ओर जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्ष, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है, और सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में ही जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जल चक्र। तो इस तरीके से, जैसे कि जल चक्र आप देख सकते हैं, कम तापमान पर लिखा है, और ये सूर्य है, और जल वाष्पीकरण, ये बादल बने, और फिर वर्षा हो गई, और ये क्या हो रहा है? नदियाँ हैं, समुद्र हैं, मान लो, और जल का अंतस्ताव, तो ओले वर्षा हो रही है, और वाष्पोत्सर्जन ऊपर हो गया, वाष्पोत्सर्जन, ये पेड़ लगे हैं दोस्तों, और संघनित जल ओले, ठीक है, ओले वर्षा, भूजल है, भूजल इसको बोलते हैं, जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूलरोमों द्वारा वे जल का अवशोषित करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती। धातव है कि मूलरोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूलरोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूलरोम की कोशाभित्ति मुख्यतया सेल्यूलोज से बनी होती है। इसके साथ इनमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूलरोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूलरोमों की कोशाभित्ति पारगम कला की तरह कार्य करती हैं। यहाँ पर मूलरोम द्वारा मृदा से जल का अंतशोषण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर हम लोग देखेंगे, समझेंगे। तो कम सांद्रता मृदा विलयन जल में, फिर कम परासरण दाब अंतशोषण, और इधर है अधिक सांद्रता मूलरोम, और मूलरोम का रिक्तता रस अधिक परासरण दाब। इस तरीके से दोस्तों होता है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय कि जल अवशोषण प्राय भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियाँ भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रश्न कोष पर आते हैं। जैसे कि प्रश्न आया था, निम्नलिखित पर हमें विचार करना था: प्रकाश संश्लेषण और शोषण, और फिर जैविक पदार्थों का अपचय, फिर ज्वालामुखी क्रियाएँ। और तो उपरोक्त में से कौन सी क्रियाएँ पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन और डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो कौन कौन जोड़ती है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2, 3, 4। 2, 3, 4 कौन क्या क्या है? 2 शोषण होता है, 3 जैव पदार्थों का अपचय, और ज्वालामुखी क्रियाएँ 4। 2, 3, 4 बोला था, तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये 2, 3, 4, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा शोषण प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते हैं अथवा जोड़ते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला, अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? तो कौन नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो जल चक्र में, कार्बन चक्र में नहीं है, हाइड्रोजन चक्र में नहीं है, नाइट्रोजन चक्र में इतनी नहीं है। सबसे ज़्यादा किसमें? जल चक्र में सबसे ज़्यादा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। हवा के दाब गलत, जल के चक्र गलत, तापमान गलत, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर। तो इधर देख लेते हैं व्याख्या। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि क्या, यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि सी ऑप्शन। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलरोम नष्ट हो जाते हैं। मूलरोम नष्ट हो जाते हैं, फिर पौधे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। बाकी क्या कह रहा है? तो पहले हम कह रहा है नई मिट्टी में इष्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, गलत। अधिकांश मूलभूम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते। गलत। प्रतिरोपण के दौरान पत्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती। गलत। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूलभूम नष्ट हो जाते हैं। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं। पौधों के अधिकांश मूलरोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधे में वृद्धि नहीं होती। खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल खेतों की सिंचाई नहीं होती अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है, इससे जड़ के मूलरोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है, जिस कारण पौधे क्या हो जाते हैं? मुरझा जाते हैं। वायुमंडल आ गया, तो वायुमंडल देखेंगे, समझेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तत्व पदार्थ का साधारण रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे उपविभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस भी पाई जाती हैं। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है सबसे ज़्यादा। तो एक बार इसका परसेंट देख लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड 0.036%, फिर नियोन 0.02%, हीलियम 0.0005%। क्रिप्टॉन देखते हैं, एक मिनट। क्रिप्टॉन 0.0001%, हाइड्रोजन 0.00005%, जीनोन 0.000009%। इस तरीके से स्वपोषी पेड़ पौधे प्राणवायु, ऑक्सीजन का उत्सर्जन और वायुमंडल को दूषित करने वाले एवं ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। अगर वनस्पतियां नहीं होंगी तो ऑक्सीजन की कमी से पृथ्वी के जीवन पर घातक प्रभाव पड़ेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन देखेंगे, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये पौधे हैं और ये जंतु हैं। इस प्रकार पादप वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसलिए वनों को पृथ्वी के हरे फेफड़े भी कहते हैं। वनों को पृथ्वी का क्या कहते हैं? हरे फेफड़े भी कहते हैं। ग्रीन लंग्स ऑफ द अर्थ। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में सड़क के किनारे हरे वृक्षों की कतारें खड़ी करके ध्वनि प्रदूषण से भी बचा जा सकता है, जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पृथ्वी के परितः विद्यमान गैसों वायु के समूह को वायुमंडल कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैस पाई जाती हैं। वायु एक है। वायु क्या है? वायु क्या? मिश्रण है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मिश्रण। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। गैसों का यह मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? वायु में नहीं पाई जाती। तो कौन सी नहीं पाई जाती? हीलियम, ऑर्गन, नियोन, रेडॉन। तो इसमें कौन सी नहीं पाई जाती? नहीं पूछा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेडॉन नहीं पाई जाती, बाकी हीलियम, ऑर्गन, नियोन सब पाया जाता है, लेकिन रेडॉन नहीं पाई जाती। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव नोबेल गैस है। शुष्क वायु में इसकी मात्रा नगण्य है, नहीं होती बिल्कुल, ठीक है, नगण्य है, नगण्य कह रहा है, नहीं, ठीक है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो कितनी परसेंट होती है? 78%। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। कितनी होती है? 78.08%।